सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके के वाराणसी शक्ति नगर मार्ग ओवर ब्रिज पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने मैजिक ड्राइवर से 60,000 रुपए नगद और 1,25,000 के चेक और ड्राइवर का मोबाइल तमंचे के बल पर लूटकर फरार हो गए। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके में पिछले 4 दिनों में लूट की यह तीसरी घटना है। वहीं पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा है। हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर DIG मिर्जापुर, SP सोनभद्र सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि निश्चित रूप से जिले में कोई बड़ा गिरोह सक्रिय हुआ है जो लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है और पुलिस पर जल्द ही खुलासा करेगी। ये आज रॉबर्ट्सगंज कस्बे की घटना है। एक रॉयल पाइप की दुकान में माल देने के बाद एक मैजिक की गाड़ी का ड्राइवर उसका पेमेंट लेकर जा रहा था। लगभग 58,000 रुपए कैश था उसके पास। जैसे रॉबर्ट्सगंज ब्रिज के ऊपर ये इसकी गाड़ी जा रही थी, उसका कहना है कि 2 लोग लाल कलर की गाड़ी पर इसको रोके और इसके पास से ज़बरदस्ती वो पैसा उन्होंने छीन लिया और ये तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया कि पुलिस मौके पर पहुंची है। इसकी रिपोर्ट दर्ज करके तत्काल अभियुक्तों की तलाश की जा रही है और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जा रहा है। सर ऐसा दिन के अंदर 3 लूट हो, ये कोई सक्रिय गिरोह काम कर रहा है क्या? निश्चित तौर पर 4 दिन में ये घटनाएं की वारदातें बढ़ गई हैं और इसमें कोई गिरोह सक्रिय है। इसमें जल्दी घटनाओं पर अंकुश भी लगाया जाएगा और जो घटनाएं हुई है इसको सही से वर्कआउट करके उचित कार्रवाई। सर इसमें सटीक रेखी हो रही है और जब लूट हो रही है तो इसका कैसे? ठीक, उसकी पूरी जाँच पड़ताल चल रही है। बहुत जल्द इसका पूरे घटनाओं का पता।